हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एसएससी ट्रिक। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एडिटोरियल वर्ड मीनिंग। ठीक है, द हिंदू के एडिटोरियल हम लोग डेली डिस्कस करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मीनिंग क्या होता है? कमजोर या फिर नाजुक। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वीक और लाइकली टू ब्रेक अंडर प्रेशर, कमजोर होना या फिर अंडर प्रेशर किसी चीज़ का टूट जाना, उस वैसे चीज़ों को, वैसे इंसान को कहते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, सेकेंड वर्ड आ जाते हैं ग्रॉस। आप पढ़े होंगे जीडीपी, जीडीपी में जो जी होता है वो ग्रॉस होता है। ग्रॉस मीन्स होता है कुल आय, टोटल कह सकते हो आप इसे। थर्ड वर्ड है कॉन्टेर मिनस, कॉन्टेर मिनस मतलब होता है साथ में लगा हुआ, चिपका हुआ। इसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इनक्लोज्ड विद इन ए कॉमन बाउंड्री, एक ही बाउंड्री के अंदर दो तीन एक दूसरे से सटा हुआ, उसको कहते हैं कॉन्टेर मिनस। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ। फोर्थ वर्ड क्या है? रोल आउट। रोल आउट मतलब होता है मेक अवेलेबल टू पब्लिक, कुछ ऐसा अनाउंसमेंट कर देना, कुछ ऐसा नया स्कीम्स ला देना, तो उसको कहते हैं स्कीम्स का रोल आउट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी तो आप बार बार यूज किए होगे, स्कूल नहीं जाते होगे जब अटेंडेंस लगाना होता होगा, या कॉलेज नहीं जाते होगे तो प्रॉक्सी लगा देना, आप लोग कहते होगे प्रॉक्सी लगा देना यार, इस तरह से आप स्टेटमेंट यूज करते हो। प्रॉक्सी मतलब होता है प्रतिनिधित्व। इफ यू डू समथिंग बाय, इस तरह का जो सिंबल मैं यूज करता हूँ वो सेम वर्ड के लिए। अगर यहाँ पर ये वर्ड है तो फिर मैं नहीं लिखता हूँ, इस तरह का सिंबल यूज करता हूँ। इफ यू डू समथिंग बाय प्रॉक्सी, यू अरेंज फॉर समवन एल्स टू डू इट फॉर यू, अपने खुद के लिए किसी से काम कराना है बिना किसी और को बताए हुए, उसको कहते हैं प्रॉक्सी। नेक्स्ट वर्ड सिक्स्थ, एंटिटी। एंटिटी मतलब होता है एन एंटिटी इज समथिंग दैट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर थिंग्स एंड हैज ए क्लियर आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, मतलब काफी आइडेंटिकल चीज है दूसरे से अलग, उसको कहते हैं एंटिटी। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं सेवेंथ। सेवेंथ क्या है? हेडविंड्स। हेडविंड्स मतलब होता है विपरीत परिस्थितियां, आपके अनुकूल परिस्थिति नहीं, आपके फेवरेबल परिस्थिति नहीं, वैसे सिचुएशन को कहते हैं हेडविंड्स। एट्थ वर्ड, एट्थ वर्ड मतलब स्लंप। आप बार बार न्यूज़पेपर में तो बार बार ये वर्ड पढ़ते होंगे, जब भी किसी चीज का प्राइस काफी तेजी से घट जाता है उसको कहते हैं स्लंप डाउन। ठीक है, इसका मीनिंग है कीमतों में कमी आना या फिर मंदी। नेक्स्ट वर्ड नाइन्थ, प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट मतलब होता है अस्थगित करना या फिर विलंब करना। इसका इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। टू डिले, टू लेंथन और टू एक्सटेंड, उसको कहते हैं प्रोट्रैक्ट, मतलब किसी चीज को आगे कर देना, पोस्टपोन कर देना, लेट कर देना। ठीक है, टेंथ रिसर्जेंस। रिसर्जेंस तो आप पढ़े ही होंगे, जिसको फिनिक्स भी कहते हैं। फिनिक्स तो काफी प्रचलित वर्ड है, मतलब पुनर्जीवन या री अपियरेंस और री ग्रोथ। स्टबबर्न, स्टबबर्न मतलब होता है जिद्दी, अनविलिंग टू चेंज वंस माइंड। जैसे आप स्टबबर्न हो कि ये एग्जाम निकालना ही निकालना है, एसएससी आईबीपीएस के एग्जाम निकालने ही है, इसको कहते हैं स्टबबर्न सिचुएशन, और आपको रहना भी चाहिए स्टबबर्न कुछ कुछ चीजों में। नेक्स्ट वर्ड ट्वेल्थ, ये अच्छा वर्ड है मेटल। मेटल मतलब होता है साहस, दिलेरी। इंग्लिश में वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एबिलिटी टू डू समथिंग वेल इन डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, किसी चीज को अच्छा करने का एबिलिटी होना, कैपेसिटी होना आपके अंदर, किस सिचुएशन में, डिफिकल्ट सिचुएशन में। तो चलिए आज के लिए इतना ही वर्ड था। जाने के पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जस्ट इसके नीचे एक एसएससी ट्रिक सर्कल में लिखा होगा, उसे क्लिक कर देना, आप सब्सक्राइब हो जाओगे और इस तरह के वीडियोस मैं आपके लिए डेली बनाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय बाय। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं।